दांतों का फोड़ा यानी कि दंत फोड़ा, जिसका मतलब होता है कि नाक या मसूड़े में पस्से। ये तब होता है जब आपके मुंह में इन्फेक्शन होता है, ये पेनफुल होता है, इसकी वजह से आप बीमार महसूस कर सकते हैं। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये बेहद बदतर हो जाता है और आसपास की हड्डियों को खराब कर देता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने ये फोड़ा दांतों के अंदर मसूड़ों में या हड्डी में जगह बना सकता है। ये इन्फेक्शन के कारण होता है। दांत के अंत दंत यदि फोड़ा है तो इसे पेरिया पिकल कहा जाता है, जबकि मसूड़े में फोड़े को पेरिया डेंटल कहा जाता है। ये कैविटी चोट या पहले किसी दांत संबंधित इलाज के कारण हो सकता है। दांत में फोड़ा होने पर लक्षण साफ महसूस होते हैं। प्रभावित दांत या मसूड़े में तेज दर्द होना, इसमें स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती। ये दर्द कान, जबड़े और गर्दन तक फैल जाता है। ये प्रभावित दांत या मसूड़ा हो, इसमें लेटने पर भी दर्द होता है, जिसकी वजह से नींद में खलल होती है। इसके अलावा आपके चेहरे पर लालिमा और सूजन दिखाई देती है। जैसे ही आपको ये लक्षण दिखने लगे, आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, वरना सिचुएशन खराब हो सकती है। दांत के फोड़े के निदान के लिए डेंटिस्ट प्रभावित दांतों या मसूड़ों की जांच कर सकते हैं, डेंटल एक्सरे भी करते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि फोड़े की सटीक जगह क्या है और ये कितने हिस्से में फैला हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।